सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को, और इसमें दोस्तों हमने आपके पवन सीरीज को स्टार्ट किया है। और पवन सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्नों में हमने एक पार्ट, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में दोस्तों पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट टू देखने वाले हैं, 21 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ यह बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। इससे पहले दोस्तों सभी चैप्टर्स को मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। पहले उस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया है, उस पर एग्जाम्पल्स सॉल्व कराए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने उस पर प्रैक्टिस के लिए उस चैप्टर पे जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वह सभी मैंने सॉल्व कराया है। इस तरीके से आपके सभी चैप्टर्स को मैंने सॉल्व करा दिया है। क्लासेस में क्लासेस की 24 वीडियोस हैं दोस्तों। उसके बाद राजन सीरीज है, राजन सीरीज मैंने पढ़ाया है। राजन सीरीज में 4 वीडियोस बहुविकल्पी और 6 वीडियोस अति लघुत्तरी प्रश्नों की मैं बना चुका हूँ। इसके बाद हम लोग लघुत्तरी प्रश्न भी देख लेंगे राजन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है? सजातीय विजातीय इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि व्यंजकों में दोस्तों चर और कांस्टेंट अचर दोनों आते हैं। चर मतलब वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड, ये सभी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब किसी व्यंजक में अगर एक ही वेरिएबल बार बार प्रयुक्त हुआ है तो उसे सजातीय बोलेंगे। केवल एक अगर प्रयुक्त हुआ है तो सजातीय, और एक से अधिक वेरिएबल, एक से अधिक चराए हैं तो उसे विजातीय। तो यहाँ आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो यहाँ पे x भी आ रहा है y भी आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग विजातीय कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल एक ही व्यंजक में आ रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप केवल y और y आ रहे हैं, x या z या दूसरा कोई चर कोई वेरिएबल इसमें नहीं आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सजातीय कहेंगे। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, समीकरण में पक्ष होते हैं। दोस्तों समीकरण में आपको पता है कि बराबर इक्वालिटी का चिन्ह लगता है, और एक पक्ष को हम लोग बराबर के बाएं तरफ और एक पक्ष को हम लोग बराबर के दाएं तरफ लिखते हैं। तो कितने पक्ष हो गए? 2 पक्ष हो गए बराबर के दोनों तरफ। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों 2, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? द्विघात है, सरल समीकरण है, n घात समीकरण है या विघात समीकरण है? तो दोस्तों किसी भी समीकरण का अगर आपको घात निकालना है तो आप देखिए सबसे बड़ी घात कहाँ पे है। तो सबसे बड़ी घात जो है वह x स्क्वायर में है। सबसे बड़ी पावर x 3x स्क्वायर में x स्क्वायर की है, तो x स्क्वायर में घात कितनी है? 2 है। तो जब 2 घात होता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विघातीय समीकरण। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 है, x धन 1 का क्यूब बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है? तो दोस्तों x प्लस 1 का क्यूब पूछ रहा है, तो x प्लस 1 का क्यूब, इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी के क्यूब का। तो a प्लस बी का होल क्यूब दोस्तों कितना लिखते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy
और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप घात देखेंगे तो सबसे बड़ी घात आपको 3 दिखेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा त्रिघातीय समीकरण, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे आप देख लीजिए, पहले दो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहले दो में दोस्तों आपको एक्स दिख रहा है और बाद वाले दो में वाई दिख रहा है। तो पहले दो में आप एक्स कॉमन ले लीजिए, पहले दो पदों में, तो ये एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स की जगह ए बच जाएगा और बी एक्स की जगह बी बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे आप, दोनों पद माइनस हैं तो माइनस, और दोनों जगह वाई है तो वाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी बचेगा ए प्लस बी, ठीक। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे भी ए प्लस बी आ रहा है और यहाँ पे भी ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए आप, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचा है और यहाँ पे माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, यही गुणनखंड हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। एक्स स्क्वायर माइनस 8x+7 के गुणनखंड हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+7, इसी का दोस्तों हमको गुणनखंड करना है। तो अब देखिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x-x+7, ठीक है। अब यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 7, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 7। अब देखिए दोनों जगह x माइनस 7 आ रहा है, तो x माइनस 7 पहले आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो गुणनखंड कितना मिल गया, x माइनस 7 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सा में दिख रहा है x माइनस 1 इंटू x माइनस 7, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 है, 6x² - x-15 के गुणनखंड है। अब देखिए दोस्तों जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, जो गुणांक है, उसका गुणा आप कर लीजिए जो कांस्टेंट दिया है उसमें। तो देखिए इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो देखिए कितना आता है, 6 × -15, तो ये कितना आ रहा है, -90 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट कितना है, -1। अब -1 को दोस्तों आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जिन दो पदों में यह टूटे उस दो पदों का गुणा जो हो जाए वह -90 आ जाए, और जिन पदों में दो पदों में टूटा है उसका जो जोड़ आ जाए वह -1 आ जाए, ठीक है। अब -90 लाना है दोस्तों, तो एक पद को ऋण रखना होगा और एक पद को धन रखना होगा। तो ऋण 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण 1 को हम लोग लिख सकते हैं ऋण 10, धन 9 लिख सकते हैं। तो अब इसे देखिए दोस्तों, इसे हम लोगों ने इस प्रकार तोड़ा है कि इसका जो है गुणा 10 × 9, ऋण 10 × 9 कितना आएगा, ऋण 90, और ऋण 10 + 9 बराबर कितना आएगा, ऋण 1। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको हर एक गुणनखंड में करना होगा, ठीक है। तो अब आप इसे कितना लिख सकते हैं, x² - 10x + 9x - 15, ठीक है। यही ऋण 10 और -9 में हमने लिख लिया, -x को हमने -10x + 9x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन मिल रहा है, यहाँ पे कौन मिल रहा है 2x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3x - 5, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये बच जाएगा 3x - 5। अब देखेंगे दोनों जगह 3x - 5 आ रहा है तो इसको कॉमन आप ले लीजिए, तो 3x - 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +3, तो +3,
तो अब आपका गुणनखंड कितना हो गया, 3x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3। तो 3x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3, तो ऑप्शन द में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 है, एक ऋण 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब कि होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इसको ये लिखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है क्या ये, तो अभी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसको आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 8x। अब आपको दो पद दिख रहे हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब एक पद आपको स्क्वायर में दिख रहा है और x आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि x स्क्वायर का पद अभी इसमें नहीं है, यह आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यही ऑप्शंस में दिया गया है कि x स्क्वायर के पद देखिए दिए गए हैं, तो अब आप समझिए कि x स्क्वायर का कोई पद हमें इसमें जोड़ना है और जोड़ के होल स्क्वायर इसको बना देना है। तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के रूप में लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 4x। जैसे फॉर्मूले में यहाँ 2ab होता है ना, तो a तो हमें समझ लीजिए पता है कि a1 है, ठीक, और फिर माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2a पता है 1 और b की जगह देखिए कितना आ रहा है, b की जगह 4x आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो b की जगह 4x आ रहा है, तो यहाँ पे b स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस 16x स्क्वायर कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई ऑप्शन सा 16x स्क्वायर, अगर हम लोग इसमें जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड निकालना है, दोनों कोफिशियंट का गुणा कितना आ रहा है, माइनस 5, और आपको बीच वाले को भी इस प्रकार करना है कि गुणा माइनस 5 आए और जोड़ जो हो माइनस 4 आए। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक। अब इसे आप कितना लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 दोनों जगह है तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, बचा है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 5, तो ऑप्शन आ में दिया है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 31 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना हो दोस्तों, तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऑप्शन आ में दिया गया है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 32 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, वह होता है √3/4 और भुजा का वर्ग, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा
रूट थ्री बाई फोर इंटू जा का वर्ग यानी 10 का वर्ग, यानी ये कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर इंटू 100, और 4 को कितने से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, और इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 25 रूट थ्री वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 रूट थ्री वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न क्या 33 है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन सा में दिया है, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या 34 है, वृत्ताकार मैदान का बाह्य त्रिज्या आर वन है व आंतरिक त्रिज्या आर टू है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों एक बाह्य देखिए दो वृत्त हैं, वृत्ताकार मैदान है और बोल रहा है इसकी दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान की जो बाह्य त्रिज्या है वह है आर वन, और आंतरिक त्रिज्या जो है वह है आर टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले वृत्त से घटा देना होगा। तो देखिए बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर वन स्क्वायर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और छोटे वाले वृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो यही क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। तो आप पाई देखिए दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं, तो आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर यही क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्ताकार मैदान का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ में दिया गया है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 35, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्ताकार मैदान है क्षेत्रफल पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, पाई कितना होता है 22/7 होता है, और त्रिज्या कितना दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ यहाँ बटे में 7 से कैंसिल हो जाएगा और 22 में 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 × 14 हासिल लगा 1, फिर 7 × 14 1 15 154 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों, घन के आयतन का सूत्र है। तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाएं जो घन की तीनों भुजाएं हैं उनका आपस में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यही करते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं घन में, अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी ए होगी, तो इस प्रकार घन का आयतन जो आता है वह ए क्यूब आता है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 है, आयत के प्रत्येक कोण होते हैं। तो आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं दोस्तों, जिसे 90 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, तो ऑप्शन बा में दिया गया है समकोण यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 38 है, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। तो दोस्तों वर्ग आपको कोई दिया गया है तो बाद वाली जो सीमा होती है वह उच्च सीमा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बा 20 जो दिया गया है, 20 जो होगा यहाँ पे वह उच्च सीमा होगा। अब प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह है। तो दोस्तों किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग उस वर्ग का जो निम्न सीमा होता है और उच्च सीमा होता है दोनों को जोड़ के बटे दो कर देते हैं, मतलब माध्य की तरह ले लेते हैं, तो 30 × 40/2 ये कितना आ जाएगा 70/2 यानी कि 35, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा मध्य बिंदु जो होगा वह 35 होगा, या वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग बोलते हैं वह 35 होगा, ठीक है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 40 है, 1 से 10 वर्ग है, 11 से 20 है, 21 से 30 है, में वर्ग 21 से 30 की वास्तविक सीमाएं होंगी। अब दोस्तों यहां पे आप ध्यान से देखिए, तो 10 के बाद 11 आ रहा है और यहाँ 20 के बाद 21 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी उच्च सीमा जो है वह 20 है और इसकी निम्न सीमा इसके बाद जो वर्ग आ रहा है वह 21 है। तो 20 और 21 के बीच में एक गैप आपको दोस्तों दिख रहा है कि 20 से 21 के बीच में अगर कोई संख्या आती है तो वह संख्या कहाँ जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए दोस्तों इन दोनों के बीच में अगर कोई संख्या छूटे ना, इसीलिए इनकी जो सीमाएं होती हैं वह यहां तक होती हैं, 20.5 तक होती है, ठीक है। तो 20.5 से इधर संख्या अगर आती है तो ये आ जाती है 1120 वाले वर्ग अंतराल में, और 20.5 से बड़ी संख्या आती है तो यह आ जाता है 21 से 30 वाले वर्ग अंतराल में, ठीक है। तो एक्चुअल जो सीमा होती है दोस्तों 21 से 30 वाले वर्ग की, वह होती है 20.5 से 30.5 तक, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन दाज हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आपके 40 प्रश्नों तक हमने कर लिया, इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करके आप उसके बगल एक बेल आ जाएगा उस पे ऑल कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशंस जो हैं दोस्तों वह आपको मिल पाए। अब दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सभी इतने आसानी से इतने जल्दी में अपनी बेहतर तैयारी कर पाए। समय कम बचा है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए सभी जगह, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दिया करिए। अब दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अब दोस्तों इससे पहले के गणित के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैथ का जो प्लेलिस्ट है वह दिख जाएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो मैथ की सभी वीडियोस खुल करके आ जाएंगी। तो वहां पे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैथ के सामने जो लिंक दिया होगा उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मैं दे दे रहा हूँ, तो कहीं से भी आप जा करके सभी गणित की वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं और 25 में 25 ला सकते हैं गणित में। अब दोस्तों इसी प्रकार हमने और बाकी विषय भी पढ़ा दिए हैं, तो बाकी विषयों को भी पढ़ना आप लोग मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।